हमारे साथ हैं यूपी के एक ऐसे कद्दावर नेता जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनका हर बयान यूपी की सियासत का तापमान बढ़ा देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री आजम खान जी की। आजम खान जी, आपका साधना न्यूज बहुत बहुत स्वागत करता है। ढेर सारे सवाल हैं देश की राजनीति से संबंधित, उत्तर प्रदेश के प्रशासन से संबंधित, लेकिन जो फिलहाल जो सबसे पहली बात है वो ये है कि निश्चित तौर पर आप बधाई के पात्र हैं कि अमेरिका जैसा देश और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी आपको आमंत्रित कर रही है सम्मानित करने के लिए, जो कुंभ मेले का आपने आयोजन किया। अगर इसके इतिहास में जाएंगे आप कुंभ के, तो ब्रिटिश पीरियड में भी जो लोग इंतज़ाम देखते थे और जिनको पूरे कंट्रोल के लिए जिम्मेदार किया जाता था, उसमें मुस्लिम ऑफिसर्स ही रहते थे जी। उस इतिहास की परंपरा में जब पिछली हमारी सरकार थी समाजवादी पार्टी की, मुलायम सिंह जी जिसके मुखिया थे, तब अर्ध कुंभ हुआ था और उसका भी मैं ही इंचार्ज था जी। उस वक्त जब मेरा नाम अनाउंस हुआ, तब साधु साहिबान ने काली पट्टी बांधी, मेरे मुर्दाबाद के नारे लगाए और अध्यक्ष जानंद जी महाराज हैं पुरी के, शंकराचार्य जी, उनके पास गए और कहा आपको मालूम हुआ आज़म खान इसके अध्यक्ष बन गए? तो उन्होंने कहा शुभ हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो बड़ा ही वो बाबरी मस्जिद वाला मुसलमान है। तो उन्होंने कहा अति शुभ हुआ। और उसके बाद हमने इतना अच्छा इंतज़ाम किया था कि वही साधु साहिबान जिन्होंने हमारी मुखालिफत की थी, उन्होंने बुलाकर हमें सम्मानित किया था। और इस बार जब हमारा नाम अनाउंस हुआ तो मुखालिफत तो दूर की बात, पहले ही से बुलाकर उन्हें क्या ज़रूरतें हैं, कैसे करना चाहिए, वो सब हमें गाइड किया था और आपके सामने है जैसा भी इंतज़ाम रहा। और कुंभ मेले का संदेश सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गया कि लगभग 3.5 करोड़ लोग एक दिन में, वैसे तो एक लंबा मेला था, लगभग 40 दिन उसका चला सिलसिला, उसमें बिल्कुल मल्टी प्रॉब्लम्स का काम था। एक ये इतने लाख करोड़ लोगों का रोज़ आना, उनके ट्रांसपोर्टेशन का, उनके ठहरने का, उनके शौच का, उनके लिए बिजली का इंतज़ाम, उनके लिए साफ़ पानी का इंतज़ाम और इस सबसे बढ़कर उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम, और वो उनकी धार्मिक आस्था कि उन्हें स्वच्छ जल मिले, गंगा का पाक पानी हो। खुद भाजपा के नेताओं ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी कभी गंगा को इतना साफ पानी नहीं मिला, एक भी टेनरी से एक बूंद पानी कानपुर से हमने रिलीज नहीं होने दिया, इतना सख्त कर रखा था। सफाई का आलम यह था कि कहीं एक दिन का आपको नहीं मिल सकता था, बड़े बड़े अधिकारी हमारे दिन के उठाते फिर रहे थे। टॉयलेट्स में मैं खुद जाकर देखता था कि कहाँ गंदगी है कहाँ नहीं है। तो एक बड़ा चैलेंज था, उन लोगों ने गालिबन इसलिए बुलाया है कि वो इसको अप्रिशिएट कर सकें, हमारी हिम्मत अफजाई कर सकें, और अगर कहीं उन्हें ये जानने की ज़रूरत हो कि एक नया शहर चंद दिन में आबाद किया गया और बसाया गया लोगों को और उन्हें खैरियत से रुख्सत किया गया, जानना चाहते हैं। आपके प्रशासनिक क्षमता की चर्चा तो बहुत है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सरकारी अमलों में सरकारी कर्मचारियों के बीच आपका एक खौफ पैदा हो गया है। लोग ये कहते हैं कि आप अनुशासन पर बिल्कुल भी समझौता नहीं करते। करना भी नहीं चाहिए। आप रामपुर का क्राइम ग्राफ देख लीजिए और दूसरे जिलों का देख लीजिए। हम यहाँ पर क्राइम आसानी से नहीं होने देते, क्योंकि क्राइम करने वाले लोग यहाँ इंगित हैं, उन पर नज़र रहती है, और जब हमारी सरकार आती है तो उनमें से अधिकतर लोग वो हैं जो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाते हैं जी। और जो यहाँ रहते हैं उन्हें मजबूरन शराफत की ज़िंदगी गुजारना होती है, वरना जेलें हैं ऐसे लोगों के लिए। ऐसे क्राइम जो किसी भड़कावे या किसी अचानक जिसे किसी पर जुनूनतारी हो जाए, वो तो हो सकता है यहाँ, लेकिन प्लैंड क्राइम यहाँ पर ज़ीरो रेट है। लेकिन जब से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने हैं, जिस तरीके से एक युवा चेहरा प्रदेश की राजनीति में इस तरीके से मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना, फिर वो मुख्यमंत्री बने, उनसे युवाओं को काफ़ी अपेक्षा थी। और उस वक्त मुझे भी याद है इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि किस तरीके से युवाओं में जोश था, उनके बनने के बाद भी था। एक साल का उनका कार्यकाल बीत गया है, उनको किस तरीके से आंकेंगे आप? हमारी ज़िंदगी सिर्फ एक चीज़ से नहीं चलती जी। जिस्म में भी हमारे आँखें हैं, मुँह है, कान है,
सांस लेने के लिए नाक भी है, हाथ हैं, पैर हैं, पेट है, इन सब चीज़ों को मिलकर इंसान बनता है और ज़िंदगी की बहुत सी ज़रूरतों को मिलाकर ही मुल्क बनता है। अगर हम इस एक पहलू को हटा दें जी, जिस पर आप असल सवाल करना चाहती हैं, लोगों के साथ जो सम्मान का बर्ताव हुआ है, जो आज़ादी मिली है उन्हें जी, मायावती की दहशत और गुलामी और घटियापन से, राजनीतिक नीचपन से, राजनीतिक बदतमीजी और बेहूदगी से, राजनीतिक जुल्म से, और विरोधियों को मसल डालो, तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, जैसा कि उन्होंने अभी एक रैली में कहा है, तोड़ दूंगी, ये राजनीतिक भाषा नहीं है, ये किसी ओबाश लफंगे की भाषा है। लेकिन उनका भी आरोप है, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो दोनों तरफ से चल रहा है, समाजवादी पार्टी की ओर से भी, बसपा की ओर से। बाद में जी जवाब तो देना ही पड़ेगा। अगर आप जो आपको तोड़ने निकल रहा है, जिसका बहुमत है उत्तर प्रदेश में और जिसने लोकतंत्र बहाल किया है आने के बाद, चाहे उत्तर प्रदेश हाउस हो, सदन के अंदर और सदन के बाहर, जिस पार्टी ने लोकतंत्र बहाल किया, लोगों के दिल से दहशत निकाली, जाति का जहर निकाला, सबको बराबर से जीने का हक दिया, किसी पर कोई नाजायज़ मुकदमा कायम नहीं किया, किसी के दरवाजे पर पुलिस ने दस्तक नहीं दी, सिवाय गुनहगारों के गरेबानों तक हाथ जाने के किसी राजनीतिक व्यक्ति को बेवजह परेशान नहीं किया गया। इसलिए ये संदेश देना जरूरी था कि अगर कोई हमें तोड़ने चलेगा और हमारे वर्कर्स को डिमोरलाइज करना चाहेगा, जवाब सुनने की हद तक तो मिलेगा। तो ये मैं अर्ज करूं कि सिर्फ यही एक पहलू नहीं है, आज़ादी मिली, समानता मिली, मोहब्बत मिली, प्यार मिला, जनता दर्शन मिला, लोगों को अपने मुख्यमंत्री से मिलने और मंत्रियों से मिलने का अधिकार मिला, प्रोटेस्ट करने का अधिकार मिला, और उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा संदेश जो हमारे मैनिफेस्टो के वायदे थे, ज़रा आप उसकी श्रृंखला तो देखिए क्या है। किसानों का कर्जा माफ़ जी, किसानों के लिए पानी की का बिजली बिल माफ़, जिसको दैवीय आपदा से, अभी मैंने 32 महिलाओं को 1-1 लाख रुपए का चेक दिया है 2 रोज पहले जी, जो सांप काटे से मर जाएं जी, या किसी एक्सीडेंट में मर जाएं, उनको 1 लाख रुपया देकर उन्हें इस काबिल बनाना कि उनके हाथ में प्याला ना आ जाए जी। इसके अलावा जो हमारा सबसे कमज़ोर वर्ग है, हमारी बेटियाँ, जिन्हें हमारे लोग, हमारे समाज के लोग अपने ऊपर बोझ समझते हैं, उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करना, कन्या विद्याधन, क्या खजाना खाली नहीं कर दिया कन्या विद्याधन के लिए? हमारी बेटी उसका कल इसके लिए खजाना खाली नहीं कर दिया? पढ़ें बेटियां, बढ़ें बेटियां, क्या इसके लिए खजाना खाली नहीं कर दिया? बेरोजगारी का भत्ता, इसके लिए खजाना खाली नहीं कर दिया? रिक्शा वाला जो एक जानवर की जिंदगी गुजारता है, उसे इंसान की जिंदगी देने के लिए, उससे रिक्शा लेकर उसे बैटरी चालित रिक्शा देने के लिए 600 करोड़ रुपए का प्राविधान किया, क्या खजाना खाली नहीं कर दिया? रोज कब्रस्तान और शमशानों का एक मसला बना हुआ है आपस के झगड़ों का, 400 करोड़ रुपया उसके लिए इस बजट में प्राविधानित है, क्या खजाना खाली नहीं कर दिया? बस फर्क इतना है कि पहले मेहनत कश इंसान मजदूर के गाड़ी कमाई से भरे हुए खजाने से पत्थरों के हाथी बनते थे, पार्क बनते थे, और अब ये पैसा गरीबों को जाता है। लैपटॉप नहीं दिया बच्चियों को, टैबलेट नहीं मिलने वाला है, सिर्फ ये साबित किया है कि ये तुम्हारी कमाई है, तुम्हारे काम आएगी। लेकिन जहां तक प्रशासन की बात है तो उत्तर प्रदेश में भी ढेरों अपराध हो रहे हैं। बस एक पहलू, महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं। पहलू है जी, अस्पतालों में दवा, लोग बीमार भी तो होते हैं, उन्हें दवा भी चाहिए, पर एक सख्त प्रशासन की जो उनसे यकीनन जरूरत है, बच्चियों के साथ बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं यकीनन, लेकिन ये भी तो मानिए, ये भी तो मानिए कि इस एक चीज के अलावा, और हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि ये एक चीज भी बेवजह नहीं है, क्योंकि मैनिफेस्टो को पूरी तरह लागू किया गया है, इसलिए विरोधियों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, और जिसको जहां मौका मिला, चाहे वो कांवड़ियों को इस्तेमाल करना पड़ा, चाहे किसी धार्मिक फंक्शन को इस्तेमाल करना पड़ा, जहां उपद्रव करने का मौका मिल सकता था जी, वो मौका उन्होंने अपने हाथ से जाने नहीं दिया।
लेकिन आरोप प्रत्यारोपों का दौर जो है वो दोनों तरफ से चल रहा है, और इससे ऐसा लगता है जैसे नेशनल मीडिया पे जब ये खबरें आती हैं तो ऐसा लगता है राजनीति की निचले स्तर पर आ गई है। क्या कोई एक वाकया भी आप ऐसा बता सकती हैं जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने राजनीतिक स्तर से गिरकर एक शब्द भी कहा हो? प्रदेश के मुख्यमंत्री का जाहिर तौर पर बयान नहीं आया है, लेकिन एक शब्द भी मुख्यमंत्री के बयान से वो आया हो जो पूर्व मुख्यमंत्री ने जो घटिया और लचर जबान इस्तेमाल की है, जिसकी लोकतंत्र में और सभ्य समाज में कोई गुंजाइश नहीं है, जो सिर्फ उनके संस्कारों की देन है, उनके संस्कारों से समाज नहीं चलेगा। अच्छा, आजकल बेनी प्रसाद वर्मा जी का बयान भी काफी चर्चा में रहता है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उनके लिए तो हम बराबर कह रहे हैं कि उनके वास्ते दुआ कीजिए, हम भी दुआ करें, आप भी दुआ करें, वो काफी बीमार हैं और काफी अरसे से बीमार हैं। प्रदेश में, देश में मुस्लिम हितों के संरक्षक के तौर पर आपको देखा जाता है, ऐसे में नहीं, मैं हिंदुओं के साथ भी बहुत अच्छा जी हूं। जी बिल्कुल, और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पास मंत्रालय हैं या अब तक जो रहे हैं उनमें मुसलमानों के काम तो बराए नाम आते हैं, मुसलमान न कहीं नौकरी में न कारोबार में, लेकिन हिंदू समाज के लिए काम करते हैं ईमानदारी से। इमाम बुखारी पर जो आपने बयान दिया कि उनका हाल सलमान रश्दी जैसा हो सकता है, हमने कभी नहीं कहा जी, ये किस संदर्भ में कहा था? Said, इस तरह की कोई बात ही नहीं कही है ना, ऐसा कुछ नहीं कहा, ना कहा ना कहने की जरूरत है, ना ऐसा कहना चाहिए जी, कभी नहीं कहा।